दिनांक 9 जनवरी 2020 आज के दिवस के प्रथम सत्र का प्रारंभ प्रातः 6 बजे से योगाभ्यास से प्रारंभ हुआ। श्री नवनाथ जी के मार्गदर्शन में सभी कला शिक्षकों ने योग आसनों का अभ्यास किया। ओम के उच्चारण एवं गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ द्वितीय सत्र का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात अन्य योगासनों का क्रमशः अभ्यास किया गया। गायत्री मंत्र की महिमा पर श्री सावंत जी ने प्रकाश डाला। इस मंत्र से शरीर की एवं मन की शुद्धि होती है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया है। सत्र में सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम से शुरुआत की गई। तनाव से मुक्त होने के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद कपाल भाती प्राणायाम बताया गया। कपाल भाती प्राणायाम शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करता है। यह श्वास संबंधित बीमारियों के लिए अति उत्तम है। इसे नियमित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। अंत में शांति पाठ के साथ प्रथम सत्र का समापन हुआ। यहाँ समूह संख्या 4 के सदस्यों के द्वारा नवोदय प्रार्थना के साथ सत्र का प्रारंभ हुआ। प्रार्थना सभा में सभी गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। इस सभा की संचालन श्री रंजिता मौर्य के द्वारा किया गया। श्याम पट पर लेखन कार्य श्री मनमध राव जी के द्वारा किया गया। इसके बाद समूह संख्या 3 के सदस्यों के द्वारा पूर्व दिवस का प्रतिवेदन पढ़ा गया एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। इसके पश्चात उपायुक्त महोदय ने सभा को उद्बोधित किया। टाइम शेड्यूल हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय द एनवीएस। सो वी हैव टू हैव दिस सेशंस बट आफ्टर दैट इसी सत्र के बीच नवोदय विद्यालय समिति गोवा क्षेत्र के सलाहकार डॉक्टर पीयूष कुमार रॉय, जो कि वर्किंग इंडियन नेशनल वाटर पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने जल संकट पर चर्चा की एवं वर्तमान स्थिति में जल की आवश्यकता एवं संरक्षण पर चर्चा की। तृतीय सत्र जिसका विषय ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, इसकी प्रस्तुति श्री रतनलाल माली सर के द्वारा की गई। यहाँ महोदय ने शिक्षकों के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया। इसमें 26 मुख्य बिंदु रहे, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। कक्षा में सर्वधर्म संभाव की भावना को बढ़ावा देना। शिक्षक किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उसे किसी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। चतुर्थ सत्र जिसका विषय रेखांकन एवं रंगोली, और इसकी प्रस्तुति श्री प्रशांत पेड़नेकर जी के द्वारा की गई। इस सत्र में श्री प्रशांत पेड़नेकर जी एवं उनके सहयोगी गजानन कलुंडकर के द्वारा टैगोर जी के व्यक्ति चित्र का रेखांकन किया गया, जिस पर बाद में सूखे रंगों से रंगोली विधा में व्यक्ति चित्र बनाया। इस रंगोली का प्रारंभ कागज पर पेंसिल से टैगोर जी के व्यक्ति चित्र के रेखांकन के साथ हुआ।
इसके रंगों को बनाने के लिए संगमरमर चूर्ण में रंग पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें रंगों की कई तानों को तैयार किया जाता है। इससे चित्र में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। रंगों के तानों की विविधता से चित्रों में यथार्थ उत्पन्न होता है। आवश्यकतानुसार रंगों की रंगतों में परिवर्तन किया जा सकता है। चित्र पूर्ण होने के बाद उपायुक्त महोदय ने चित्र का अवलोकन किया। उनके साथ सभी शिक्षकगण भी मौजूद रहे। और इसी के दौरान सभी कला शिक्षकों के द्वारा एक एक पौधे का रोपण किया गया। पांचवें सत्र के बाद छठा सत्र प्रारंभ हुआ। इसका विषय सामूहिक क्रियाकलाप रहा। इसका निर्देशन उप प्राचार्य महोदय श्री प्रशांत राघनवाल जी ने किया। इस सत्र में सभी कला शिक्षकों के द्वारा चित्र, भित्ति चित्र एवं मूर्ति का निर्माण प्रारंभ किया गया। एनएलआई परिसर एवं मुख्य द्वार पर भित्ति चित्र सीमेंट से प्रारंभ किया गया। इस भित्ति चित्र में बुद्ध एवं नवोदय उत्सव कथकली की आकृति को स्थान दिया गया। इस भित्ति चित्र को कला शिक्षकों ने सामूहिक रूप से तैयार किया। इनमें अरविंद कुमार, विश्वनाथ लकड़ा, राजेश प्रसाद, अमला सिंह, मधुप मयंक, दीपांति, श्रीमाली, मंजुनाथ केपी आदि शामिल रहे। अन्य शिक्षकों ने कैनवास पर चित्र बनाए, जिसमें विभिन्न विषयों पर एक्रेलिक रंग से आकृतियाँ उकेरी गईं। इसमें लोक कला, अमूर्त कला, यथार्थवादी, बुद्ध एवं अन्य विषयों पर चित्र बनाए गए।